तो दोस्तों अभी हम रामनगर जा रहे थे, एक हमें व्यू दिखा, एक मतलब बैराज दिखा, एक पुल सा था, ब्रिज सा। तो ऐसे हमारे पुष्कर भाई आए हैं और इन्होंने फोटो खींचने की आफत मचा दी। तभी कहते हैं ना दोस्तों, गांव के लोगों को शहर में नहीं आना चाहिए। क्यों पुष्कर भाई, सही कहा? गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिर कैसे हैं आप लोग, आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों जैसे कि आज संडे है, आपको पता है कि संडे है, इसका मतलब अपना तो ट्रैवल डे है। आज का ब्लॉग बनना है हमारा। तो दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, मैं ब्लॉगर संडी उत्तराखंड राज्य के एक जिले उधमसिंह नगर से, एक छोटे से शहर बाजपुर से हूँ। फिर हमारे साथी पार्टनर ये हैं पुष्कर भाई, तो इनसे तो आप वाकिफ होंगे। आपने अगर हमारा पिछला ब्लॉग देखा तो हमारे पुष्कर मिश्रा जी हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से हैं, और जो वहाँ का जो हमारा फेमस कह सकते हैं फेमस जिला प्रतापगढ़ है ना, प्रतापगढ़ के रहने वाले, वहाँ की गोलियाँ और पता नहीं क्या क्या फेमस हैं, वहीं से हैं हमारे बदमाश पुष्कर भाई। ये कह रहे थे कि हम आपके उत्तराखंड भ्रमण पे आए हुए, भ्रमण के मतलब उत्तराखंड आए हुए हैं, तो हमें उत्तराखंड आप तो इतना घूमते, थोड़ा हमें भी घुमा दे। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम अगर वहाँ जाएंगे मतलब यूपी जाएंगे, प्रतापगढ़ जाएंगे, ये भी हमें मतलब वहाँ का भ्रमण कराएंगे, क्योंकि आपका भाई शौकीन है इन चीज़ों का। तो पुष्कर भाई डन हो गई ना ये? बिल्कुल ये कह रहे हैं डन हो गया। तो इसलिए आज संडे है, आपको पता है, तो हम निकलते हैं आज के जो हमारा टूर है, कहाँ का? हनुमान धाम। ये कह रहे हैं आज का टूर है हनुमान धाम। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं हनुमान धाम, मुलाकात होती है आप किसी से हनुमान धाम में। दोस्तों हनुमान धाम से हम थोड़ा सा दूर है, मतलब कुछ ही किलोमीटर की दूरी अब रह गई है, और हम ब्रिज पे भी रुके थे। हमारे पुष्कर भाई जो हमारे आज के ब्लॉग के पार्टनर हैं, जो हमारे साथी पार्टनर हैं, उन्होंने बोला कि थोड़ा फोटो सेशन हो जाए और व्यू भी अच्छा है, थोड़ा मैं ब्लॉग में उसको कैद भी कर लूँ। तो हमने यहाँ पे अपनी बाइक रोकी थी। तो जिस व्यू की मैं बात कर रहा था, वो व्यू आपको पीछे दिख रहा होगा, जो नदी बह रही है, कलकल करता है इस नदी का पानी, और चिड़ियाओं की आवाज़ें वो आपको आएंगी नहीं, क्योंकि वो बहुत हल्के हल्के बोल रही हैं। दोस्त जो हमारा सफर था आज का हनुमान धाम का, तो हम दोनों भाई पहुंच गए हनुमान धाम। चलिए अब प्रसाद लेते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। हम प्रसाद लेने आए हुए थे, तो प्रसाद लेके हम दोनों भाई मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, और कुछ ऐसा दिखाई देता हमारा हनुमान मंदिर, श्री हनुमान धाम। और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे राम सेतु निर्माण का। और इसमें दिखाया गया कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आ रहे हैं।
और ये दोनों भाई लवर कुश। श्री पंचमुखी हनुमान जी, चारों युग प्रताप तुम्हारा। श्री सीता है, राम है सीता हृदय में। गणपति जी, अंजनी माता व बाल हनुमान जी, राम लक्ष्मण जानकी जी, हनुमान जी, तो दोस्तों धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हनुमान धाम में, जो भगवान शिव जी का शिवालय है उसकी तरफ। और रात्रि के समय यहाँ पे फुव्वारे, अलग अलग लाइटें वगैरह, मतलब यहाँ का जो नज़ारा होता है वो देखने वाला होता है। यहाँ सामने से हनुमान जी बैठ के भोले बाबा को देख रहे हैं। बाकी हमारे पुष्कर भाई कुछ बता रहे हैं। यहाँ सामने से हनुमान जी बैठ के भोले बाबा को देख रहे हैं। हम शिवालय की तरफ से अब बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमने अपनी चरण पादुका उतार रखी हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे डेवलपमेंट हमारे इसमें धाम में होते ही जा रहा है। सामने आप एक बड़ा पार्क देख रहे होंगे, एक पार्क यहाँ देख रहे होंगे। मतलब जो है अभी जीर्णोद्वार और जो डेवलपमेंट के कार्य लगातार यहाँ अग्रसर है। सामने धर्मशालाएँ बन रही हैं, कुछ कार्य इनका कम्प्लीट हो गया है, कुछ लगातार चलने में है। तो मतलब जैसे जैसे दोस्तों हम जैसे जैसे आते रहते हैं, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ हमें नया देखने को मिलता रहता है। तो दोस्तों आप भी आइए, विज़िट कीजिए। रामनगर के एक छोई एक जगह है, वहाँ पे बहुत बड़ा हनुमान जी का स्थान, हनुमान धाम जो विराजमान है यहाँ पे बना हुआ है। तो दोस्तों मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ। तो दोस्तों मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा, लाइक कमेंट शेयर, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें।